Hello. Good evening, Sharad bhai. मुझे कल जो होस्ट किया था उसमें भी थोड़ा पूछना था और आज भी मुझे मार्केट के बारे में ये पूछना है कि जो एफएमसीजी सेक्टर है आईटीसी को हम एफएमसीजी सेक्टर में गिन सकते हैं और अगर उसका क्या आगे लग रहा है और अगर उसका ऑप्शन 340 सी देखें तो मूवमेंट कैसा दिख रहा है. हेलो. मूवमेंट तो लक बाई चांस है यार, तो आज का ये महीने का नहीं बोल सकता है, लॉन्ग रन में अच्छा है, बस इतना मालूम है. तो ये महीने में मतलब 360-370 टच करने की कोई संभावना है टेक्निकल चार्ट के हिसाब से? नहीं, टेक्निकल तो मुझे आती नहीं है और अगर आप अच्छा और अगर आप कहे तो एस्ट्रोलॉजर से पूछ के बता दूँ आप. बढ़िया. ओवरऑल क्या दिख रहा है सर, मतलब आपका रीडिंग क्या है मार्केट का? आज थोड़ा बड़ा है तो आगे ये मोमेंटम सस्टेन होने के चांसेस हैं? अभी आजकल का मैं नहीं देखता क्योंकि मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी नहीं खेलता हूँ. अच्छा. मैं स्टॉक स्पेसिफिक में रहता हूँ और माथे ही मारता हूँ. तो स्टॉक स्पेसिफिक में सर आपको अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो सुजलॉन कैसा लग रहा है? व्हाट? सुजलॉन? अरे यार मैं एफएनओ का ही प्लेयर हूँ यार, ये सब मत लेके आओ. तो एफएनओ में सर आईटीसी आपको मैंने पूछा 340 पे, तो आपने बोला नहीं मालूम है ना. आपको मालूम है क्या? आपको मालूम है? नहीं, मुझे नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम है, इसलिए तो मैं आपसे सर नहीं मालूम है. ये सट्टा बाजार है, कोई और को कुछ नहीं बोल सकता है भाई. ठीक है शरद भाई, थैंक यू. हाँ बोलिए नौशी भाई. हेलो. अनुश्री फादर, एक क्वेश्चन मेरे को आपको पूछना था. हाँ सर, आप सरस सर के सामने पर्सनल अटैक क्यों करते हो ट्विटर पे? सर मैं पर्सनल अटैक नहीं करता. वन थिंग रिमेम्बर वन थिंग, क्योंकि हम लोग है ना सब लोग सीखने वाली जगह पर हैं. सरस सर ने भी पता नहीं कितने सालों से सीख रहे हैं और उसके बाद आज हमारे साथ में अवेलेबल है, ठीक है ना, पहली बात. दूसरी बात क्या होता है कि मुझे ऐसा फील होता है कि किसी का व्यू गलत नहीं हो सकता है, वो गलत हो जाए मतलब उसके वो बिकॉज आप समझो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि आप समझो कि किसी भी चीज के अंदर मैं सही है मैं गलत. वो सब छोड़िए, आप क्या जानते हो वो क्या समझते हो छोड़िए, आप अपना सवाल बताइए कुछ है तो. सर मेरा तो एक ही सवाल है खाली, क्योंकि ये जो आज रिबाउंड आया है ठीक है ना, तो हम लोग 17,000 के ऊपर दोबारा बंद हुए हैं, तो बस मेरा तो इतना ही मानना है कि मतलब पूछना है, मानना नहीं पूछना है कि हम इसको सस्टेन करेंगे और या किस लेवल का इंतजार करें कि उसके बाद हम दोबारा अपसाइड का सोचें, नहीं तो वापस बेचना शुरू करें. देखिए मेरा व्यू है 12,000, ओके. आज बड़ा कल घटा फिर बड़ा, वो सब में इंटरेस्ट नहीं है और मैं डेली प्लेयर नहीं हूँ, तो मुश्किल है मेरे लिए ये बात बताना. और बताइए सर, मैं तो शॉर्ट टर्म का व्यू पूछ रहा था, बाकी स्टॉक स्पेसिफिकली अगर कोई आपके रिकमेंडेशन हो अगले 3 महीने के लिए. जो आप नाराज हो जाते हो, हम रिकमेंडेशन देते हैं, हम बोलते हैं पीवीआर 600 हो जाएगा तो आपको बुरा लगता है और चिल्लाने लगता है. सर देखो सुनो तो, हाँ ये चिल्लाना बिल्लाना है ना, ये बचपना है तुम्हारा. आप शांति से भी बात कर सकते हो, सब लोग सुनेंगे शांति से. आवाज ऊंचा किया सब लोग टूटेंगे. आप बेसिक फंडा समझो लाइफ का. इफ यू आर गुड एवरीबडी इज गुड, इफ यू आर बैड एवरीबडी इज वर्स. आप समझे? तो रिक्वेस्ट है भाई, ये मेरा व्यू है. चल 600 बोला था, मैं बोलता हूँ 200 हो जाएगा, तो क्या हो गया? मेरे बोलने से होने वाला है, नहीं. This is just to explain to you, don't lose your cool, please. आप कितने भी बड़े चमरबंदी हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. अच्छे से बात करो ना, हम भी आपसे अच्छे से बात करते हैं, प्लीज. ये ऊंची, मैं भी सर हमेशा से एक ही बात में बिलीव करता हूँ. छोड़ो यार, छोड़ो. आई नो योर टोन, द वे यू स्पोक. प्लीज एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन ना. खत्म हो गया. बिल्कुल सर, मैं हो सकता है उस दिन मैं गलत होगा, उसके लिए मैं अपोलोजाइज करने के लिए, माफी नहीं चाहिए. आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन टू यू, इन लाइफ बी गुड टू एवरीबॉडी. आप अपना फैमिली में भी सपोर्ट करोगे सर. बिल्कुल, मैं भी मार्केट में 18-19 साल से 20 साल से हूँ मार्केट में. अगर नहीं सीखने और अपना यू नो लर्निंग एबिलिटी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करता, तो शायद आज यहाँ तक नहीं पहुँचता. क्योंकि मार्केट में वो सरवाइव करता है जो सीखने की कोशिश करता है. जो अपने आप को सुपी मारेगा ना, मार्केट सबसे पहले उसी को मारता है. ओके, चलिए, एक्सेप्टेड. थलाइवा नॉर वे. हाँ, हेलो सर. सर मेरा सवाल ऐसा था कि अगर हम मतलब जो इन्वेस्टिंग करना है अगर किसी स्टॉक में, इक्विटी में, तो जैसे कि मतलब अब अंबुजा सीमेंट था, उस दिन न्यूज़ आया कि वो अदानी लेने वाला है. तो जो 570 को स्टॉक था, तो 2 दिन में ही वो 590 तक गया. ओके, और उसके बाद वो फिर से मतलब 500 तक आया. तो इसमें हम कैसे स्ट्रेटेजी रखें? अगर 570 से 590 तक जाता है, मतलब सडन अगर ज़्यादा स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है, तो हमने उससे बेचना चाहिए या होल्ड करके रखना चाहिए? क्या करना चाहिए उसका? नहीं, अंबुजा इज अ वेरी वॉलेटाइल स्टॉक. नहीं सर, मैं सिर्फ अंबुजा के बारे में नहीं, अगर कौन सा भी इन जनरल स्टॉक है और उसकी वैल्यू सडनली बढ़ती है किसी न्यूज़ की वजह से, मतलब 100 रुपये या मतलब 100-150 या ऐसे बढ़ती है, 2-3% ज़्यादा बढ़ती है, तो हम उस स्टॉक को होल्ड करके रखें या 1-2 दिन में ही बाहर निकले उससे, अगर न्यूज़ की वजह से अगर स्टॉक की वैल्यू बढ़ी है? अरे भाई साहब, ये एफएनओ में इतना सारा स्टॉक है, ऐसा जनरल स्टेटमेंट तो नहीं कर सकता है. ओके सर, लेकिन अच्छा शेयर लो भाई. ये एफएनओ में लेना है तो जुबिलेंट फूड लीजिए, नीचे आवे तो अच्छा पैसा बनेगा. ले लो अच्छे में, वो पैसा बनेगा. कैपेसिटी का आधा ही लेना, डबल मत लेना कैपेसिटी. यस सर, डोंट ओवरट्रेड. एवरीथिंग स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट यू ओवरट्रेड. आज हम हारता नहीं है, क्यों नहीं हारते? जितना पोजीशन है, कैपेसिटी है, उसका 1/10 भी नहीं खेलता, तो नोबडी कैन डिफीट मी. सो दैट इज द वे यू शुड आल्सो डू इट. इफ यू आर प्लेइंग 10 लॉट्स, प्ले 3 लॉट्स. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. हाँ गौरव भाई बोलिए. गुड इवनिंग शरद भाई. मेरे को आपका 40 साल का इतना एक्सपीरियंस है आपका, मेरे को बस स्टील सेक्टर पे आपसे राय लेनी है कि स्टील सेक्टर कैसा लगता है आपको? बराबर. स्टील सेक्टर जो है ना भाई, वो it's not for investment, it is for trading. जब भी पी रेशियो 4-5 का हो जावे, तब बेचो. और पी रेशियो 20 का हो जावे तब लेने का. अच्छा, आप देखो, और वैसे आप चार्ट वार्ट देखते हो क्या भाई? हाँ, चार्ट वार्ट वैसे थोड़ा बहुत देखता हूँ, बट मैं जनरली फंडामेंटल देखता हूँ. ठीक है, तो आप चार्ट में देखेंगे ना तो 20 साल से कुछ नहीं किया है ये स्टील शेयरों ने, इधर ही भटकता रहता है। हाँ ज्यादा तो ऐसे ही रहता है। देखिए नहीं इसीलिए ये आजकल का जो जमाना है ना भाई, वो है इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, हाई प्रिसीजन इंजीनियरिंग, वो सब का जमाना है। तुम क्या स्टील और सीमेंट में पड़े हो? हम स्टील में सौदा ही नहीं करता है वो वंस इन 2-3 मंथ्स। और सीमेंट मिट्टी है, मिट्टी। तो निकलो ना, आओ ना न्यू टेक्नोलॉजी, QSR में आओ। वो जुबिलियन QSR में जुबिलियन फूड हो गया, बर्गर किंग, जो भी बर्गर किंग में कुछ सही नहीं लगता वैसे। और सब देखिए भाई साहब, मैंने आपको बताया कि these are the fields where you can invest and grow your money. This is you will run on the treadmill forever. Okay. Okay. Thank you so much. बस और आपका आवाज मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनने में। और अगर आप हमें देखेंगे तो भी अच्छा लगेगा आपको। हाँ जरूर, अगर मौका मिला तो जरूर देखेंगे, आपसे मिलेंगे। ओके डियर, बाय। अमित भाई बोलिए। गुड इवनिंग सर भाई, कैसे हैं आप? हाँ ठीक है भाई, बोलो बोलो। अच्छा मुझे आपसे ये पूछना था कि इस पे ऑयल एंड मार्केटिंग पे आपका क्या व्यू है अभी? जैसे लाइक क्रूड काफी गिरा है लास्ट 2-3 मंथ्स में और स्टेबल है 70-80 के अराउंड, 80-85 के अराउंड, तो कुछ बनता है क्या इधर बाई का स्पेस? तो वैसे मैं देख रहा था न्यूज की यूएस में भी अभी ऑयल के शेयर्स जो है वो 20% अप हो गए हैं। यही सर। हेलो, हाँ तो क्या पूछना चाह रहे हो? मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऑयल एंड मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट का बनता है क्या इस टाइम? ऑयल मार्केटिंग कंपनी में? हाँ आपका क्या व्यू है? वो व्यू ऐसा है, ये मैंने 32 साल पहले भी लिया था OMC, यही भाव थे तकरीबन, तो आपको लेने तो ले लीजिए, वो 32 साल के बाद भी यही भाव रहेगा। ये मेरे को समझ में नहीं आता है कि मॉडर्न टाइम्स में OMC सीमेंट स्टील में क्यों आप लोग घुस जाते हो यार? फॉर व्हाट? जस्ट टू एंगेज योर ईगो यार, ये सब बकवास है यार, नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग ऑल्सो। अमित भाई बोलिए, बराबर है। थैंक यू सर, बस इतना ही पूछता था। जसकरण भाई बोलिए। गुड इवनिंग शरद सर, आपने अभी PVR का नाम लिया, मैं लास्ट 3 मंथ से उसमें शॉर्ट था। अब बीच में वो 2200 भी चला गया था। मेरे को बस एक आपकी वो लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी आप जो समझाते हो जिससे मिनिमल लॉस हो जाए, मतलब मैंने कॉल अपना ये उसके साथ एक कॉल भी हेज की थी फ्यूचर शॉर्ट करके, लेकिन जब वो एकदम से भागता है तो उसके बीच में हम अपने लॉस को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, थोड़ा आप उस दिन एक्सप्लेन कर रहे थे मुझे। नहीं, PVR per se is an operator driven stock, it moves very wildly, तो PVR में भी वही स्ट्रेटेजी काम आती है और कुछ नहीं। लेकिन अगेन PVR बेचना है तो मैं अभी नहीं बेचूंगा, वो 1400 के नीचे जाएगा मैं बेचूंगा। लेकिन सर जो आप लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजी की बात करते हो कि कॉल बेच दो, पुट बेच दो, MTM शाम को पॉजिटिव आना चाहिए, हाँ उसके बारे में थोड़ा नहीं बता सकते हो? ये अभी आपने PVR और शॉर्ट किया और कॉल ले लिया, बराबर है, आपका मार्क टू मार्केट आपके अगेंस्ट में है, तो पुट बेचो। और पैसा आना चाहिए आपको जी। और अगर आपका और सर इसके अलावा एफएनओ के अलावा और कोई तरीका होता है मैं शॉर्ट करने का? नहीं, वो तो बोरो करना पड़ता है सिस्टम में, बट वो एक ही बात है, बोरो करो या फ्यूचर में बेचो। उसके बारे में सर थोड़ा सा बता सकते हैं? नो, यू कॉल अप अ ब्रोकर एंड एसएलबीएम में कुछ एसएलबीएम या कुछ है वो सेक्शन का नाम। तो सर nsdl.co.in / एसएलबीएम करके लिंक है, nsdl में एसएलबीएम नहीं वो कोई भी कर सकते हैं आप। वो प्रिस्क्राइब शेयर्स है, वो सब आप कर सकते हो। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू सो मच समर्थ भाई, ही इज हेल्पिंग मी अ लॉट नाउअडेज। मैं काफी टाइम इनसे हेल्प लेता हूं, तो आपसे पहली बार बात होगी। अरे नो प्रॉब्लम, आप मोस्ट वेलकम। थैंक यू जसकरण जी, ओके बोलिए। या सिमरन हेलो, सिमरन कोटवाल अनम्यूट करके बोलिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग सर, आई एम टॉकिंग टू यू विद फर्स्ट टाइम, पहली बार मैं आपसे बात कर रही हूँ और मुझे आपके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, सो सॉरी फॉर दैट। इसके बाद मैं गूगल करूँगी आपके बारे में। मेरे को आपसे ये पूछना था कि लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से 5 बेस्ट शेयर्स रहेंगे? 5 बेस्ट शेयर्स? यस सर। ओ 5 बेस्ट शेयर्स, और 5 बेस्ट शेयर्स? यस सर, यस सर, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए। आपका पोर्टफोलियो कितने का है, कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो? सर अराउंड 10 to 15 के बीच में। लैक्स और करोड़? नो नो सर, लैक्स। तो अभी ये फोरम पे बताना, आप मेरा टाइमलाइन चेक कर लीजिएगा ना। मैंने लिख जी सर, आई एम चेकिंग। यस सर, यस सर, अभी चेक कर लो लेती समय, या नहीं तो डीएम मारो बता दे। जी सर, जी जी। और सब ठीक है आपके घर पे? जी सर, जी, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा। हमको भी अच्छा लगा। ओके, थैंक यू सर। हाँ भाई, अंकित भाई बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मार्केट के नहीं आज कुछ एक अलग एडवाइस देनी है आपसे सर। एज यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, माय ब्रदर आल्सो इन चार्ट सीए फाइनल, सर आप कुछ एडवाइस देना चाहें आगे किस तरह से सीए के सेक्टर में बढ़ा जाए, क्या किया जाए? क्या 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 आप सीए हो क्या? नो, माय ब्रदर इज डूइंग सीए फाइनल, ही इज डूइंग ना। Yes. तो हो जाए तब बताना, मैं गाइड करूंगा। ओके बॉस। विकास भाई, विकास सिंह। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार, आप कैसे हो? मैं एकदम से अच्छा हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छे हो जाते हैं हम। मैं तो सिर्फ इतना ही पूछूंगा, और मेरा कोई सवाल नहीं है, एक सवाल है बस। आई माने इंडिया, टी माने टेक्नोलॉजी, इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनी आईटी का फ्यूचर अगले 2-3 साल में आप क्या देख रहे हैं? वेरी ब्लिक, वेरी वीक। या वीक, अच्छा, तो कितने साल में उठेगा? शायद उठे ही ना। नहीं, आपने तो दबा दिया मुझे। देखिए, मैं जाता हूँ, ये जो आउटसोर्सिंग का काम अपना आईटी कंपनी करता है, जी जी अभी जी. वो धीरा पड़ गया बिकॉज ऑफ AI एंड मशीन लर्निंग एंड ज्यादातर धंधा भी इंडोनेशिया और फिलीपाइंस में जा रहा है, उधर भी बहुत सारा कंपनी है. तो वी आर फेसिंग टफ सिचुएशन एंड just to prove my point, okay, I will give you a pointer. कि अगर आप विप्रो का भाव देखेंगे तो 2-3 महीना हो गया इधर ही है, उठता ही नहीं है. अभी TCS है, उठता नहीं है, 20 रुपया बढ़ता है, सब ताली बजाता है, वो ताली बजाता है. अभी it's going nowhere. And विकास भाई, आपको अगर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है, IT में, तो आप एक्सेंचर में कीजिए जो US में लिस्टेड है, उसमें आप पैसा डालिए. और ये एक्सेंचर का जो मूवमेंट होता है ना सर, वो यहाँ पर होता है. एक्सेंचर इज अ लीडिंग द मोस्ट लीडिंग कंपनी इन द वर्ल्ड. I know. Or and apart from IT, if you go into technology, there are various companies. You can buy them. Don't buy IT. Buy technology company, please. If you understand. Okay. Just like LTTS. अरे तूने मेरे मुँह की बात छीन ली. लगे रहो. So my point is, if you are in IT, your future is doomed. If you are in technology, your future is bright. So understand the difference between IT and technology. Oh, lots of things. किधर से हो विकास भाई? अपने यूपी से. यूपी, हाँ, लेकिन किधर? यूपी में 24 करोड़ आदमी रहते. अपने बरेली साइड. अच्छा, बरेली साइड से. गुड. नाइस टॉकिंग टू यू. थैंक यू सर. सेम टू यू. बोलिए. ये अंकित नहीं, अंकित का तो हो गया. केतन गुड इवनिंग सर. हाउ आर यू डूइंग? वेरी वेल. गुड टू हियर दैट. सर, वाज वांटिंग टू नो योर व्यू ऑन a long-term view on Reliance and Nestle. I mean, it's a 10-15 year view, sir. Nestle will be there. Reliance, okay. I wouldn't invest in Reliance for sure. Okay. And Nestle per se, if I have the wherewithal, I will invest in Nestle. Switzerland, not in India. Because it is very, 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 very expensive. So it is very expensive. So if you buy now at 18,000 or 19,000, that's right. After 15 years, maybe it will be 16,000. Nothing much. Okay. So if you look at the PE, it tells you the story, right? That how many years it will take for you to recoup. It's not good. But why Nestle and Reliance? Tell me. So the reason why, I've always read and believe that it's everything that you see and everything that's popular is where you try and invest. Like, for example, there's Marico, or there's a Dabur, or there's a Mahindra or or a Maruti, things like that. Of course, Maruti is very overvalued at this point in time. Is what I feel. Maybe I'm wrong. That way, everything in India is damn overvalued. Yes, yes, yes. It's good for punting, for trading, not for testing delivery. Right. And I don't know you heard me earlier or not. I'm very. I have, sir. You have. I have. Yes. Then it's okay. No, I was saying QSR, high tech engineering, tech. वो सब लोग ना काय को इधर जाता है फॉरवर्ड. कुछ एक आध दो स्टॉक रेकमेंड करेंगे सर 10-15 साल के पर्सपेक्टिव से. आप हमें क्या देंगे? हाँ जी, आप हमें क्या देंगे अगर हम रेकमेंड करें तो? सर ऐसा है, मतलब मेरे पास 5-7 लाख रुपए पड़े इन्वेस्ट करने को. आप परसेंटेज ले लो उसमें से सर, जो आप चाहो. हाँ तो 100% भिजवा देना. No, you definitely. You DM me, I will give you the names. Okay. Sure. Thank you so much, sir. Many thank you. Many thanks, sir. Stay healthy. Hope to hear you soon. More and more. Every Friday. Yeah. Thank you so much, sir. Yeah, Monica, please. Monica ji. Monica ji, आपका speaker unmute करके बात. चलिए, और कोई है? नहीं, सर्वेंद्र जी है, श्रीनी. नहीं, वो तो अपने ही लोग हैं. नहीं, अभी तो अपने स्पेस चालू करते हैं. सबका पूछ लिया मैंने. आज का दिन एनएवी डे था. लोकल्स ने बहुत माल लिया, छाप के लिया, इतना माल ले लिया और एनएवी टिका दिया. अभी ऐसा है ना कि आज का मुंह, जो लोग बोलता है चलो आज का मुंह अच्छा था और बोलेंगे निफ्टी ऊपर है, ये वो है. आप मेरे से बात निफ्टी का मत करो, मैं निफ्टी नहीं खेलता हूँ. 10,000 निफ्टी शॉर्ट है 6 साल से, 12,000 लगता है. उसके अलावा मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है निफ्टी में. और मैं बताऊँ, आप लोग को भी नहीं होना चाहिए. आप लोग को सिर्फ इंटरेस्ट होना चाहिए स्टॉक्स में. What to buy, that should be the constant endeavor. And how to buy cheap, that's it. फिर आप FNO खेलोगे, ये करोगे, 100% गारंटी है. आप FNO खेलोगे, आपको रुपया नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा. आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कुछ भी. You will not make money. And options, as I usually say, please, option बेचने से अच्छा है सुसाइड कर लेना. मत बेचो ऑप्शन. शेयर बाजार एक ऐसी जगह पे है, जहाँ पे लोग शेयर लेने को आते हैं और शेयर बेचने को आते हैं. That is the simplest function of stock market and nothing else. But यहाँ पे to invite people, the exchange introduces various tools and whatever to attract people. Now, what would you know about Nifty? If anybody who's listening tells me what is Nifty, I will be an employee of this. आप बताइए कोई निफ्टी क्या चीज है और कितने स्टॉक से बनता है, उसका वेटेजेस कितना है, किसी को कुछ मालूम नहीं. Nobody knows, including myself, because I don't want to know also. But हाँ मालूम है 50 है, बैंक निफ्टी में 12 है या जो भी है. तो ये सब इंस्ट्रूमेंट्स है ना, आपको लुभाने के लिए है, आपका पैसा छीन लेने के लिए. अगर आप देखोगे, अगर आप FNO करते हो, आपको मालूम है चार्जेस कितना लगता है, चार्जेस ब्रोकरेज लगता है. आप 50 रुपया 50,000 जीत गए या आपको आ गया तो आपके बिल में आएगा 30,000, 20,000 रुपया उड़ गया. अगर आपको 50,000 लॉस हो गया तो 70,000 आया. So the dices are loaded against you in FNO market. If you play selectively, selectively is the word, then only you can, matlab, there are slim chances that you will make money. But FNO is such a market, you can't keep pace with it. At 64, I dabble in only 4 stocks, max. Nothing more than that. Otherwise, I see people jumping from here to there, there to here. अरे मत करो यार, जो तुम्हारा efficiency है और जो भी आपका expertise है, वो सब script में नहीं रह सकता. So select your stocks and play in them only. Don't travel to Nifty, Titan, Reliance, Tata Motor जैसा randomly मत खेलो. और एक बात है, I'm a chartered accountant. It took me 3 years of articleship and the exams, and I passed out. And I went off to foreign countries, and then I came back and I joined the market. Okay. Now, everybody over here opens an account and he or she thinks they are eligible to trade because they have money. Now, a field where you don't have any knowledge, any expertise, how do you plan to succeed? Tell me, if you don't have any knowledge, if I ask you 3 questions, you wouldn't know. Then how come you yourself are saying I'm a trader? No, you are not a trader. That way, I might decide to go into physics, nuclear physics. Will anybody allow me? Will anybody entertain me? No. But stock market? Yes. Because they want your money. They are after your money and nothing else. All this grand scheme, TV channels, paid or telegram, is just to take your money. Please, keep your money with yourself. Learn. Actually, you can't learn stock market. It has to be in your blood or not. And traders come and go, algo wale aata jata hai. But lasting, oh, kuch nahi hai. Oh, 2 saal karega bola thak gaya. And please treat this as a temple and treat all the participants with respect. Don't abuse. Don't say PLI, Daru Pitai, Kya Fukrai. No, that's not the way market people talk. I and Rakesh Bhai, was my junior. We used to fight like cats, we used to drink together and do everything together, and we used to fight. But there was a decorum. There was no name calling, nothing. And so the point I'm making is, please, I am not your enemy. You have not seen me. Nobody has seen me, including Samarth and PD and Umay, because I'm a loner. I'm one-man army. I'm the man who saw tomorrow. And I'm 64, 65, retired life. Don't abuse me, yaar. Oh, bura lagta hai. Aake bolta hai bewda hai. Arey kya bewda hai? महीने में 2-3 बियर पी लिया तो क्या बेवड़ा हो गया क्या? Okay, this is besides the point. Now, our times are very troubled. Very, very troubled. World market is in a tizzy. Now, how to invest, what to invest? I would suggest, you want to buy Jubilant Food or Westlife or RIM or any other good stock. Every month you buy. Don't buy at a stretch. If you want to buy 100 shares, buy 8 shares every month. The market will not run away anywhere. आपको लगेगा अभी ले लो बढ़ जाएगा. अरे ऐसे नहीं होता है. In stock market, there is something which is very important, and that is mean reversion. जो बावाज है, वो घूम फिर के इधर आएगा वापस, 1, 2, 3, 4, 5 साल के बाद भी. So don't chase stocks. Don't chase stocks. अपने भाव में आता है तो ठीक है, वरना छोड़ दो. So in these troubled times, and believe me, if you buy the normal shares like banking, cement, steel, आपका कुछ नहीं होने का है. आप जो शेयर लेगा वॉलपेपर के लिए काम में आएगा, लेकिन आजकल तो डिमेट हो गया. The point being, don't block your capital. Don't tell me कि मेरे पास में अल्ट्राटेक है. मैं मन में समझ जाऊंगा कि तेरे में अक्ल नहीं है कि तूने अल्ट्राटेक लिया कि रिलायंस लिया. What? Why? If you are an investor, what should you look for? You should look for growth. You should not look for defensive. So growth in almost all the companies are captured in the price. But there are various sectors where you can invest and your money will grow. If Nifty becomes 7,000 also, I'm sure many shares will go up 5 times, 10 times, 100%. I can challenge anybody. But I can challenge anybody that all this banking and kachra will be nowhere. Now, about mutual funds. As you have seen in the market, with FII selling 1,500, 2,000 crores every day, the market is in turmoil. Now, imagine, आज तो NAV के कारण सबने ले लिया, LIC ने लिया, HDFC, Mutual, Wipro ने सबने ले लिया. चलो अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ. But how long can they keep on buying? Because FIIs have 40 trillion worth of shares and mutual fund AUM is 25 trillion. Now, if just hypothetically 25 plus 40, so 65, उसमें से 2% अगर बेचने को आवे, 2 या 3%, क्या होगा आपका? और जैसे AUM बढ़ता है ना, भाई साहब रिस्क बढ़ता है. वो छोटा AUM है तो वांधा नहीं है. ये देखिए आप, ये इंडियन मार्केट ने आपका सोचने का कैपेसिटी बंद कर दिया है। निफ्टी ऊपर का ऊपर ही रहता है, ऊपर का ऊपर ही रहता है। यूएस में देखो, उधर कौन सा भी स्टॉक है, नाइकी है, आज देखो और कितना डाउन है। यहाँ पे तो भाव कुछ होता है, खराब होता है, आ जाता है, ले लेता है, वापस पॉजिटिव कर देता है। तो आपके दिमाग में डाला जा रहा है कि इंडिया में मंदी नहीं होता। यस आई एग्री, इंडिया में मंदी नहीं हो सकता है, इंडिया में सिर्फ और सिर्फ क्रैश होता है। ये जो ये प्रोसेस है, ये 15,200 से 18,300 का इज गैदरिंग लॉट ऑफ डर्ट, इज गैदरिंग लॉट ऑफ डर्ट। व्हाई डोंट यू ऑल थिंक लाइक मी? I am the most positive person in life. Nice, everything is nice about me. But when it comes to stock market, I am very, very cynical because my money is deployed. अरे हाँ अच्छा लगा ले, अरे क्या अच्छा लगा, मालूम है क्या लिया तुमने, नहीं मालूम है फिर। So the point being, in stock market, if you don't ask these two questions, how and why, sooner or later you will lose your capital. And please don't trust anybody. Never ever trust anybody. Everybody has an agenda, and they want your money. Period. Nobody is going to do free. And anybody who is doing free, respect him. Don't abuse him. And one last thing. As I have said earlier also, the money that you have, 50 lakh, 1 crore, 2, whatever. Keep one thing in mind. It is not your money. It is not your money, it is your family's money. आपको खोने का अधिकार नहीं है, आपको खोने का अधिकार नहीं है। आप नहीं मानोगे, चलिए मैं मेरा बात बताता हूँ। मैं जितना भी ट्रेडिंग करता हूँ, आता जाता जो भी है, मेरे हाथ में सिर्फ 8,000 रुपया देता है फैमिली वाला, मतलब माय वाइफ। उसे ज्यादा देता ही नहीं है और बैंक अकाउंट को टच नहीं करने देता है। ये मेरा हाल है, बिकॉज आई बिलीव कि जो भी पैसा है वो फैमिली का है। प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपको मैं बोलता हूँ कि व्हाटएवर लाइक कि मुझे यार एक आईफोन दिलाओ, तो तुम नाटक करेगा, ऐसा है ना वैसा है ना, नहीं दे, या वो वेटर को टिप देने का है तो 10 रुपया देगा, अरे देना 200 रुपया, 500, नहीं यार बहुत है। और निफ्टी में 10 ऊपर करके 1000 ले लो, अरे पागल है क्या? ऐसे बाजार में पैसा उड़ाओ मत, बिकॉज ये फैमिली का पैसा है। सो बी गुड, टेक केयर, एंड नाउ our usual speakers, starting with Samadh. Yes, sir. Today was actually a NAV day because 3,500-4,000 का माल लिया है DIIs and EPFO ने। तो overall because it was a month end and quarter end, तो ये तो उनको करना ही होता है। बट स्ट्रेंजली सबका जो बिलीफ था कि अदानी के निफ्टी में आने के बाद देयर विल बी ए ह्यूज बाइंग इन द स्टॉक, बट एक्चुअली इट डिड गो डाउन अ बिट अराउंड 1%। अभी देखते हैं सर आगे क्या होता है। एक्चुअली द डेटा इज वेरी नेगेटिव ओवरऑल वर्ल्ड का, और वी कैन नॉट बी रिमेनिंग अलोन कि भाई हम अपनी तरह से दुनिया चलाएंगे और वर्ल्ड अपनी तरह से दुनिया में चलेगा। तो ओवरऑल वही अभी है सिचुएशन सर, ओवरऑल तो नेगेटिव ही है मेरे लिए। एंड विल सी द आरबीआई जो जिसने बोला कि अपना घर सही है, बट भले दुनिया का घर जो होना हो उसको, तो I don't believe in that story. क्योंकि वो कोई खराब तो नहीं बोल सकते आरबीआई एज सच कि भाई हमारे यहाँ प्रॉब्लम है और ये सब है. बट ठीक है सर, जो बढ़ाना था वो बढ़ा लिया. आई वॉज एक्सपेक्टिंग 0.75% इंक्रीज, बट 0.50 बढ़ा है. लेट्स सी सर आगे क्या होता है. दैट्स इट सर फ्रॉम माय साइड सर. Yes sir, good evening everyone. Nothing much to add, sir. Very grateful to DIIs and RBI for giving a good mood and giving a good bounce. I think the next time 16800 is penetrated, it will be quite ugly. But otherwise, nothing new to add, sir. See, I will... वो पूछना मत कि LIC का चेयरमैन फोन करता है क्या. From various brokers I talked to, today LIC was very active, very active. They bought TCS, Infosys, Wipro, TechM, all technology stocks. They bought Wipro, HDFC Bank, and HDFC and Reliance. So LIC, at the behest of the government, is propping up the market as and when it gets the command. Now, this phenomena was never seen in Indian markets throughout my entire career, that day in and day out the government is operating. Yes, the government would operate in times of some massacre or some event, or yes, in 2004-5 when there was a circuit downward, that time also they bought, and I appreciate that. Unfortunately, in that report of SEBI, why the fall happened, my wife's name was first. That is another story. But ये जो government interference है, ये अपना बाजार को बर्बाद कर देगा. Because try and understand, this is a market. This is a place where natural forces are in play. Now, if you mingle with it, if you disturb the process, see, what is the role of stock market? A mechanism to find the pricing for the buyer and seller when they agree on a price. Now, if you disturb that process day in and day out, how long will you last? I'm saying nature is very powerful. Nature, sun, river, water, whatever, nature is very powerful. So market also is nature, and government dabbling, I don't know what results they want and what do they want. I can definitely say, if RBI comes to the market, no, uska paisa bhi khatam ho jayega. Itna bada market hai apna, 270 trillion rupees. Nahi yaar, tum log aisa masti mat करो. गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है, मत करो ये सब. लेट द मार्केट फाइंड इट्स ओन लेवल. हाउ लॉन्ग यू विल स्टॉप इट? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बाइंग एचडीएफसी बैंक ऑल द टाइम? व्हाई? वो गोरा लोग बेचते ही जाता है, बेचते ही जाता है, तुम लेते ही जाता है, क्या करेगा? व्हाई? और ये जो LIC के पास पैसा है ना, अपने लोग, मतलब आई एम अगेंस्ट LIC, मेरा पॉलिसी नहीं है. बट फिर बाद में जब वो ऐसा सिचुएशन आएगा कि क्लेम आएगा, तो बोला ये 5000 HDFC बैंक ले लो, ये भाव में लिया था. ऐसा सिचुएशन आएगा. आई एम वेरी cynical, but if you are not cynical in this market, people will rip you off. This propping, I don't know, it's not a great way to operate any market. You look at Dow Jones. There also, there is NAV half yearly. Why they are not doing? Because the forces over there are very powerful. Institution versus hedge funds, this, that. So nobody has a major say. Over here, they have a major say. That is the difference between Indian markets and US markets. That it's a free-flowing market. Any result that's not good, straight away 30% or 20%, 50%. Apne mein ek taka. So this market is not at all. How would you say? It's not a correct. Not a discovered market. It's really bad. Why cannot a stock fall if the results are bad? How? They go up. अरे क्या है? क्या लगा के रखा है? बोला मंदी वाले का. अरे मंदी वाला कौन है? इंडिया में 4-5 मंडी वाला होएगा, उसमें से हम एक है. हम भी अभी छोड़ दिया उसको खेलने का. ये एस्ट्रल पोली है. 100 रुपया भाव होना चाहिए तो 2200 रखता है. क्या है क्या? अल्टीमेटली ये सब भाव आएगा. ओके, सॉरी, आई एम लूजिंग इट. सर्वेंद्र भाई बोलिए. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग एवरीवन. नहीं आप, मैं तो क्या बोल रहा हूँ, आपकी तो हमको तो मालूम है ना सर. आपकी तो वॉइस तो छाछ पी के भी नशीली रहती है, तो जो बोलते हैं उनको बोलने दो जो बोलने का है, ऑन द लाइटर नोट. और बाकी देखिए बाजार का तो ये है कि सर आज तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट ये है कि मेरे हिसाब से तो 75 बेसिस पॉइंट करना चाहिए था, इन्होंने छोड़ दिया. तो दे आर किकिंग द कैन इन द फ्यूचर. तो चलेगा, तकलीफ अच्छा ही है हमारे लिए. तकलीफें और बढ़ती रहेंगी और टाइम मिलेगा हमको बेचने का ऊपर में, और बाउंस आ रहा है तो अच्छी बात है. आई थिंक क्लियरली जैसे कि सबने बोला आज हो गया क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली क्लोजिंग हो गई, मंथली हो गई, जिसको अपना जो करना था कर लिया. तो आज के कैंडल को तो मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज इट वॉज मोर ड्रिवन बाय द इवेंट आज वाला. तो सबको दिख रहा है आज बहुत बढ़िया, बुल्स को एक बहुत बढ़िया कैंडल दे दिया है. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, जो बुल्स हैं उनको खुश होने के लिए एक बहुत बढ़िया कैंडल दे दिया है. डेफिनेटली ये कैंडल अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट इवेंचुअली हमको मालूम ही है कि ये इसका लो टूट जाएगा. बाउंस कहाँ तक इसमें आएगा वो देखते हैं, बट इवेंचुअली ये कैंडल का लो तो टूटना है, ऐसा तो अभी फिलहाल थॉट है. तो वही आई थिंक 17,300, 17,500 वाले एरियाज हैं, वहाँ पे आई थिंक बहुत प्रेशर्स हैं, बहुत हर्डल्स हैं, और उसके बहुत ज़्यादा ऊपर जाना निफ्टी के लिए पॉसिबल नहीं है फिलहाल, तो ऐसा ही लग रहा है. तो आई थिंक मंडे इज अ न्यू स्टोरी, देखेंगे. यूएस तो ऑलरेडी आप देखिए आज इतना ऊपर था, वहाँ से 1.5 से तो नीचे ही आ गया है. तो अपना जब बंद हुआ तो 300 पॉइंट डाउ ऊपर था, अभी 100 नीचे है, तो 400 तो नीचे है हमारे लिए मंडे के लिए डाउ. सो मोस्टली आई थिंक बाउंस विल बी सोल्ड इनटू एंड इस कैंडल का लो टूटेगा. जो समझदार लोग हैं उस चीज को समझेंगे. आई एम सॉरी टू इंटरप्ट. मैंने ट्वीट किया था सुबह में कि अभी डाउ बढ़ेगा. देखा था आपने सर्वेंद्र भाई? बिल्कुल देखा था सर, शाम में सब जब स्कैन करता हूँ तो देखे थे आपके ट्वीट सारे. हाँ, और फिर 4 या 3 बजे लिखा अभी डाउ घट जाएगा. करेक्ट, देखा, वो भी देखा. हाउ डू आई नो? क्या मैं वो ज्योतिष हूँ? नहीं, बिकॉज आई नो हाउ इट इज ऑपरेटेड. सर आप तो सबसे बड़े वाले प्लेयर थे, तो आपको तो सब मालूम ही रहेगा सर. नहीं, एक क्या होता है कि 10:30, 11 बजे अपना तो न्यूयॉर्क में बजा होता है 11 बजे, तो 11 और 10 निकल 1-1.5 बजा होगा. ओके, 9:30 घंटे पीछे. अभी एक बात बताओ, कौन रात को 1:30 बजे डाउ खेलने को आएगा? तो इनके पास में एक विंडो है, 10 साढ़े 10 से लेके वो जल्दी करेंगे 9 बजे तो वो लोग जागते होते हैं, ये सो जाते हैं तो उठाते हैं अपनी से। और जैसे ही यूरोप वो खुलता है 1:30 बजे अपने 2 बजे वो अपने हथियार डाल देते हैं। और ये डाउ फ्यूचर में लेवेज इतना थीन रहता है उस टाइम, वो कोई हिसाब नहीं। मेरे पास लाइव है, मैं देखते रहता हूँ। सो आप सबको विनती है, डाउ फ्यूचर्स मत देखिए चालू बाजार में, वो आपको उल्लू बनाने के लिए ही है। ए बढ़ गया, ए घट गया, अरे माई यार। और सर्वेंद्र भाई, आई एम सॉरी बट एक बात बोलना चाहता हूँ जी। ये जो आज का मुंह था, कल का मुंह आएगा, परसों का मुंह आएगा, I fail to understand how it will change my view. आज ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, I won't change my view. एक view है बस, बैठे रहो। Absolutely sir, मैं वही तो बोल रहा था underlying. मैंने वही तो बोला कि ये सब चीजें नहीं, I'm trying to say stock market is a game of patience and conviction. हाँ वो सब है, a game of patience and long term. Shorting is also long term and going long in the futures market is long term. सर बहुत बड़ी बात आपने बोली है, सबको आप ये चीज, ये ज्ञान, ये जो आपने अभी सबसे बड़ी बात ये बोली ना कि शॉर्टिंग इज आल्सो लॉन्ग टर्म, मैं सब क्लाइंट्स को अपने यही समझाता रहता हूँ कि भाई साहब जितना प्यार से आप अपना लॉन्ग का पोजीशन सेकते हो ना, 100 रुपए वाली चीज 50 तक 30 तक, डबल बाइंग, डबल एवरेजिंग, कभी लॉन्ग कभी शॉर्ट में भी वही करो। 10% ऊपर एकदम हालत आप लोग की पतली, क्यों परेशान क्यों हो जाते हो 10% के मुंह में? शॉर्ट में कन्विक्शन है, आपको चीज महंगी लगती है तो भाई जो चीज 2000 में बेचने वाली थी वो तो 2200 में भी बेचना है, आपको डर क्या रहे हो? सो एग्जैक्टली, शॉर्टिंग इज आल्सो लॉन्ग टर्म। एवरीबॉडी हैज टू रिमेंबर शॉर्टिंग एंड लॉन्गिंग बोथ आर लॉन्ग टर्म्स। आप साइकिल पकड़िए 6-12 महीने की, पैसे बनेंगे, पेशेंस रखिए, मनी मैनेजमेंट करिए, रिस्क मैनेजमेंट करिए, लेकिन पैसे बनेंगे एज लॉन्ग एज आप कन्विक्शन से अपने डायरेक्शन में खड़े रहेंगे एंड योर कन्विक्शन प्रूव्स राइट। तो डेफिनेटली रिसर्च तो बढ़िया करना पड़ेगा ही, आपकी टाइमिंग सब कुछ आपको देख के करना पड़ेगा एंड वैल्यू एट रिस्क शुड नॉट बी मोर देन 10-15% इधर साइड, मैक्सिमम हुआ तो 20%, उसके बियॉन्ड तो आप रिस्क लेंगे नहीं। तो यू हैव टू टाइम वेल इनटू अ टॉप और अ बॉटम एंड देन गो एंड गेट अ गुड रिस्क रिवॉर्ड। ये बहुत बहुत जरूरी है। हमने जनवरी में शॉर्ट मारा है, हमने एक आध बार ट्रेडिंग के लिए छोटा मोटा बायस चेंज किया हो तो किया हो, लेकिन जनवरी के बाद से अभी तक इंडिया में बुल मार्केट नहीं बोला है, बेयर मार्केट ही बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं कि 14,200 एक बार आना है, तो मतलब आना है, वो आज आए कल आवे 9 महीने बाद आवे 12 महीने बाद आवे, 14,200 आना है। बट उसमें पहला पड़ाव 15,800 16,000 वहां आएगा, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। 2 बात बोलता हूँ जी, एफएनओ में शॉर्टिंग किया और आपको पैसा आया तो 42% टैक्स लगता है। आपने लॉन्ग किया जी, वो तो भी 42% लगता है, बराबर है। मैं बोलता हूँ अगर आपको लॉन्ग करना है ना तो आप फिजिकल लो, आप एफएनओ में मत लो। अग्रीड। वर्ल्ड ओवर फ्यूचर्स मार्केट आर फॉर गोइंग शॉर्ट, नॉट फॉर गोइंग लॉन्ग। यहाँ पे तो कोई शॉर्ट करता ही नहीं, सब लॉन्ग करते हैं। सही बात है सर, आई एग्री जी। चलिए अब पीडी भाई बोलिए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। इट्स बीन एन एब्सोल्युटली एनलाइटनिंग एंड एजुकेशनल सेशन टुडे। आज बहुत कुछ जानने। आपकी आवाज क्लियर नहीं है पीडी भाई, हैंड फ्री अगर यूज कर रहे हो तो उसको निकाल दो, हैंड फ्री अगर है। अभी सुनाई दे रहा है समर भाई? नहीं, बराबर नहीं है, बैकग्राउंड को नॉइज आ रहा है। अरे सोसाइटी में गरबा चालू है इसके लिए। आता हूँ तुम अभी बाद में आओ क्या फैक्ट फ्रेंड? हाय। So thanks a lot, Sir Ajit, for giving me the chance to speak. There's a very interesting article by this particular blogger called the Bear. It's called, he's written a report called The Bonds of Mass Destruction. I'll try and post the link to that. I think it's a very important something to read, because clearly there are a lot of credit events that are happening across the markets. And I think it's very possible, and I don't know what will trigger it, but there could be a sudden, sudden liquidation. It's something like what happened in March 2020, where there will be forced selling, not necessarily because there is no value, but because it's being forced. So I think people need to be very, those who write put options need to be very, very, careful. You have to hedge yourself because this can be a very, very sharp event. Let me just explain one thing which a lot of people don't focus on. The one important thing is everybody focuses on Fed reducing their balance sheet. I don't think that is the big issue. The big issue is actually the significant in cost of interest increasing, plus the significant cost of hedging currency increasing, because at the end of the day, there are different costs. The cost of hedging risk, which is maybe your chances of default. Then there is the currency risk cost, like what's happened in case of UK. The CDS spread for UK has gone up. That directly affects every single company that issues UK bonds or UK funding. So that's called the currency risk. Then there is the term premium risk. So all of this is making the cost of capital significantly higher than what you and I think, or you and I look at. And so, when there is such a significant cost, it's like a friction in the world. It causes so much of friction, and that forces deleveraging. So I want to just highlight that, I'll come back in the queue, but this is something that I'll try and post the link to that article. There was somebody who shared it with me. I'd already, I subscribed to the guy. I didn't have a chance to read it, but it's really worth, going through it. I probably just want to say one thing about the RBI. I honestly think the RBI is making a big mistake by not raising rates faster. Every other emerging economy is going to raise rates, except for China, of course, which is easing stuff. But the difference between China and India is that China has a net NIIP positive. What's NIIP? Net International Investment Position, where their assets internationally are greater than their liabilities. India has a NIIP number, which is negative. So we can't really protect our currency, just like UK can't protect their currency. So the only way to protect your currency is to make, rates higher. And, if rates are not going to be high enough, our currency will depreciate. On top of that, China is going to consecutively loosen monetary policy. Their currency will also depreciate. So there are two forces at play: the Chinese currency and depreciating, and the Indian currency depreciating because we are keeping lower rates. Can you tell me what's CNY today? Hello. Yeah. I'm just 1 minute. Let me come back. 7.11. Okay. The point you made about RBI not raising interest rates up to the mark. So, until the November meeting or whenever it is, we'll see a bump up in dollar versus the rupee. I'm of the opinion sooner the better. Make it 85, 90, 95 and get over with it. Don't do this. Don't try and वो थोड़ा थोड़ा मत करो. जो भी होना एक दिन में खत्म करो नहीं यार. Then only our imports will stop. There is too much of import because of stronger rupee and exports are suffering. Fact finder, bolo kuch bolo. No, so the thing is, I slightly disagree with you on that about allowing the currency to depreciate too rapidly because then it really scares a lot of people. It increases your volatility of your currency. As your volatility of your currency rises, your cost of hedging also rises. So I think they should allow the currency to depreciate at a decent pace, but they should allow it. They should not go ahead and act stupid and try and just completely protect it, you know, which they've been trying to do, you know, and exhausting their reserves. So, and by the way, a lot of people are, I heard one call recently by one of the, well, I think it was Capital Mines, Deepak, where he's talking about how you, RBI has utilized only little amount of dollars. The problem is looking at data that is July. The real pain in CAD came in August, September, you know, so I think one needs to look at that and, you know, one needs to look at the effects, you know, forward intervention. That's a more important thing. Good you talked about Deepak Bhai, Deepak Shitoy. What I feel is, generally speaking, everyone is biased towards bull and rupee, aisa hona chahiye. But nobody is pragmatic. Whenever it is wrong, they should say it's wrong. And not always say, good, 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 good. Come on, yaar, you won't make money like that if you say good, good to everything. Fact finder, what do you think about our markets? No, I will keep quiet on that. I am just more, you know, I'm just more concerned about the well-being of the broader population. That though nobody thinks, no. Khali interest hai, Nifty bada ya gata. Anyway, DGRS, boliye. Good. So you rightly said it. These DIs are constantly throughout the year. They've been giving an exit to these FIIs because I don't know how can you buy a stock like Astral trading at 89 times price earning ratio. It's crazy. And if you see today, also HDFC and HDFC Bank have increased the home loan rates. So I think housing demand will slowly slow down, and related ancillary products like paints, pipes, etc. will also slow down. And I think this result season, so I don't think it's going to be great, especially for the IT guys. I think Accenture has given us a good indication of that. So TCS is the first result, followed by Infosys. So IT, I'm extremely bearish on, especially these large cap IT companies. And so, as you said, there are some very good stocks like, you know, the refractory guys. Arcelor is coming back to India, so they should get good business from there. So you can buy that, those kind of stocks. Another company, Nitta Gelatin. It's also an MNC, Japanese MNC, so that's a good one. Orient Refractories, which became RHIM now. So I think, you know, these stocks are still worth it to buy in such a market. But if you're buying Astral at 89 times and Berger Paints at 64 times, then I don't think, I think then you'll be stuck only for the next 5-7 years. So that's my view on the markets. Extremely overvalued, extremely overheated. And this decoupling, whatever people are, this new narrative is there. So I don't think it will last for too long, because once the result season comes, then everyone will be bare. So IT definitely should fall. And I think banks also, they'll have a lot of bond losses. So I think one should be careful. And Reliance is anyways, I mean, got a big weightage on the index. So I don't think the index is going to go anywhere even for the next few months. And even if you see year to date, I mean, what have we gained in dollar terms to get negative? But even in rupee terms, it's still like negative 0.5, positive 0.5. So actually, we're not going anywhere. It's just that in this up-down volatility, if you can make the trade long or short, you're making it. But the index or the market as such has not gone anywhere. So that's my view, sir. And I heard today that LIC bought into Deepak Nitrite. Now, what kind of purchase is this? I really don't understand here. Sir, ab wo naya narrative, pehle sir wo China plus one bolte the, abhi wo bol rahe ki Europe plus one. Matlab dunya ka jo bhi, everything will come to India only. So I think it's just a fund manager narrative, and they're just distributing. Anyway, see, if you are in the market, don't listen to anybody. Just do what you understand or what you think. Kisi ka sunne ka nahi. Anyway. Yes, thank you. Kingslayer, boliye aapka kya baat bolna hai? Unmute yourself, Kingslayer. Chaliye. Yeah, I just wanted to say, like I've seen PEs of some stocks are like 100, even some stock I saw, it's like 400, like Adani Enterprise, and some was Ruby Mills. So that's also like, that's a high, very high PE ratio. But in short term, we like usually do see price action, I feel. Like today, from RBI side also, the commentary was very positive, even if there was a rate hike. But in short term, we do see price action only. And definitely some stocks are like too high in the PE ratio. But they are still like staying there for like long. Like this Adani Enterprise was just 2,000 in like just in June. And now it reached like around 3,500 in the higher PE ratio. And few stocks are like around 25-30 for like last 10 years. And they are like not rising that much in comparison. And even after like Adani Enterprise, like their margin ratio is not that much. But still that's happened. So basically I wanted to say like whatever the market is like going through, and that's the reality. Like we can't question anyone. Na? Like some stock is like around 25-30 PE forever, and some stock is like always above like 200-300 PE. So whatever the market is like offering, we have to just accept it. And in any case, like some people are like saying 14,000, 12,000, that can obviously easily come. But once the trend changes, we all mostly will get to know. Like we are in markets from some time. So like we can't predict for that long. Because obviously we won't hold for that much, even in investing, even in shorting. So I was just trying to say, like, for short span, that's fine. Kingslayer, what's your real name here? Yeah, my name is Jatin. Jatin. And from? I'm from Delhi. Jatin, in markets, you might see short term and all that. That's okay. It depends on your preferences and your choice. But real money is made only in long term. That's yes, sir. Yes, sir. Definitely, I agree with you. नहीं वो 10, 20, 50 रुपये के लिए सौदा नहीं करने का. हाँ सर, but 10, हाँ सर, but 10, 20, 50 like अगर करते रहो रोज का तो वो भी like बड़ा ही हो जाएगा. And I am also like into investing. नहीं देखिए ये जो आप मतलब सब लोग ये जो रोज का करते हो ना, आप में कोई एक्सपर्टीज नहीं है. a period. पैसा लगना ही है अल्टीमेटली आपको. अब पैसा नहीं भी लगा तो चार्जेस में आप साफ हो जाओ. सो आई एम सेइंग सिलेक्टिव ट्रेड्स एंड वेरी लेस ट्रेड्स. Yes, sir. Even I do that. Like selective only. Like we usually breakouts and breakdowns and normal. Baapre baap, breakdown, breakout, mat. Okay, anyway. Sir, I am into investing also, but short-term investing, like 15-20-30% short-term. Play kuch mila and then just book it and search for next. Yeah. And in cash. Keeps you occupied. Yes, sir. Yeah, the same I do, but now my favorite punting scape is Adani Enterprise. I do calls, puts, shorting, everything I do. It keeps me very, very busy. Don't disturb me, huh? Jatin? Yes, sir, sure, sir. I'm just trying in Adani Enterprise. It's like kind of a difficult stock to trade in. Like just 2 trades I had in like last 1 month in Adani Enterprise. So it's a bit difficult to catch at times. But yeah, I'm trying in that. But usually I do in Nifty and some heavyweights like Reliance and TCS. That's it. Like apna daira chota hi rakhta hu, like 10-15 stocks for trading. No. I'm a trader. Okay. Trader in the sense, no holds bar. आज मैंने अडानी में टोटल कैश और फ्यूचर में ट्रेडिंग किया होगा 2 लाख का और 2 लाख शेयर्स बिकॉज एंड नथिंग एल्स नो निफ्टी वो बैंक पॉलिसी आया गया मालूम ही नहीं है. सो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस जतिन, यू हैव टू बी फोकस्ड तो हे पैसा बनेगा. ओ ठीक है यार, तू थोड़ा बना लिया, उसे वो कुछ होने वाला नहीं है. सर मेरा फोकस है लाइक ऑब्वियसली ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट या 7 इयर्स से हूं. नहीं फोकस रखता हूं. समर्थ आप चालू रखो. मेरा एक बेटे का फोन आ रहा है, चालू रखो आप. यस सर, यस सर. या राजीव जी. हाय समर्थ भाई. हेलो शरद भाई. Good evening, sir. Good evening. Yeah. So, Samadh bhai, first time I'm just reviewing this about RBI policy. So I would like to ask you, in today's RBI policy, do you find transparency? Even fact finder or Samadh or anyone can say something? Fact finder is the best person to answer. No, so, see, please, I'd like to apologize out here. I haven't actually, I've been really tied up. So I haven't read the full policy, so I would not like to comment. You know, these are my comments at the moment. All right. Actually, Rajiv ji, जो बोला वो सब positive बोला है. For India, there is not an issue for India as such, okay? But जो reality है world market की, वो उन्होंने बोल दी कि world market यानी overall situation is very bad. We are fighting with inflation. The whole world is fighting with inflation. But at the end of the day, we are also very resilient economy and blah blah blah. सब ऐसा ही बोला. तो उनको तो बोलना पड़ेगा. आप समझो, वो नहीं बोलेंगे तो यानी कौन बोलेगा. नहीं तो he has to speak positive things. And if they say कि डॉलर को हम कंट्रोल कर रहे हैं अभी, रुपया को कंट्रोल कर रहे हैं by selling dollars, तो कोई मानेगा नहीं. तो overall, बस ठीक है अभी. But the body language was very negative, highly negative. I was seeing the whole speech, but he was just reading the paragraphs. Nothing as such going out saying that he was that much confident enough to speak with the normal behavior. यही था राजीव जी. Yeah, so I can relate this policy. What I understood about market. Our CBSE system, Central Board of Secondary Education, where I am an expert, the system has made to be failed. This my brother taught me one day, but yeah, the system has to be failed. I said, why? The whole year, my students, they do not study. They start studying in the month of, you say, if there were board exams in the month of Feb or say March. They start studying in December, January, February, November. And they score phenomenal result with all rote learning pattern, the obsolete education system we do have in this country. And then they score marks and they say, wow, we have scored really well, 90, 92, 94. And most of my students in UK admissions, you know, in Warwick, Bath, or any good colleges, 90%, 92 is a criteria and they get admission. So when I teach my student, they are not intelligent. They don't deserve to be in a very good colleges, but the system is that you score marks, you do rote learning, or after admission ho gaya. What RBI is doing, according to me, हमारे मारवाड़ीज में ये कहावत है, शाना जो कागला होता है वो डैश में मुंह देता है. You understand? And once Infosys owner Mr. Narayan Murthy said, कुछ टाइम तक कुछ लोगों को आप बेवकूफ बना सकते हो, कुछ टाइम तक आप बहुत लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, पर हमेशा ऐसा नहीं चलता. And that was his indirect statement for Satyam when I did my study with Harvard journals and all. That was a real case study for Satyam Computers. So what these people are doing, I don't know what they are doing about inflation and the cost and the consumption story and whatever. But this is not right. Because I remember last time, Samad Bhai, the same thing happened with 50 BPS and short covering was there. And market went up and today also. But coming to the point, if there is no transparency and if there is no clarity, how we are going to survive them? Then to directly, indirectly, we all are short-term players. See, it is affecting us a lot, right? See, agar aapko bataya nahi jayega ki aage kya clear hai, so this is indirectly not economics. This is indirectly not stock market. This is something else. And honesty is very expensive according to Warren Buffett. It doesn't look nice on cheap people. So what they are doing, I don't know, but repeating the same thing and they are neglecting the world, you know, global economy and the scenario, what's happening in the world. This is not correct, to be very honest. And now regarding Nifty and Bank Nifty and all, this is all, again, I too have come out because of all you guys. Thank you again. So focused on good stocks and all. But ultimately, the system is, what system they are making is not up to the mark. The other point I would like to say about the businesses, the investment and all. So I'm still confused, Samad Bhai. See, I've done good studies on good stocks and all. So there is a dilemma. No, I actually do not like Nifty stocks to, you know, to be invested. So I'm doing studies and all, and I'll just take your help, definitely, of all of your help and all. So this is my view for today. What my students are doing directly and indirectly, this government, this economics, they are doing the same thing. The system to be failed, actually. So I don't think so. This is going to, you know, protect our capital in trading as well. So this is the thing where we need to be very cautious, because your once money is gone, your money is gone. How you protect your capital if you're being invested? If it doesn't come according to expectations, gone. And if you play in future an option, it's gone. It's zero-sum game. So for all new players, those who are listeners over here and very renowned listeners, I'm a very novice trader and all. So this is what I would like to say. And regarding some, again, this ghapla baji and all they is doing, this manipulation of sector-wise and maintaining Nifty 17, 18, 19K, whatever. There is a one very, you know, Marissa Pierre, she lives in UK. So once someone asked her, what should we eat? So she said very simply, you should eat what you know, what is there, what are the ingredients, so what cheezon mein kya kya rakha hai. So if I ask you, Samar Bhai, or fact finder, would you like to eat halwa or would you like to eat chocolate? So now you can easily tell me the recipe of halwa, right, Samar Bhai? Yeah. Because you know aapki mummy dadi halwa mein chini dalegi, aata dalegi, ghee dalegi, halwa taiyar. And it's the healthiest meal in the world. But in chocolate, you name 5 ingredients right now. You cannot. So chocolate is harmful for you. So directly, indirectly, if you want your country to grow, you need taxes. You need clarity in future. So that is not there in this country, unfortunately. So this is what my observation that would like to convey. Thank you, Samad Bhai. Thank you. On this unfairness, corporate tax is 25%, personal tax below 5 crores is 32 or 33%, and above 5 crores is 42. This is nonsense. Nonsense. Yes, sir. Yes, sir. Vishal bhai bolo. डीपी चेंज कर दिया तो अभी पता ही नहीं चलता है। चल भाई आगे। बोलिए। या गुड इवनिंग विशाल भाई। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या खबर सर? कुछ नहीं, आराम ही आराम। वो हो गया सर, आज एनएवी एडजस्टमेंट हो गया एकदम तरीके से। Very good. Everybody is happy. सब म्यूचुअल फंड वाले खुश होंगे आज का एनएवी देख के, फिर कल देखेंगे तो रोएंगे वापस। नहीं सर, आज क्या है, सब खुश है, म्यूचुअल फंड वाले खुश है, जो लॉन्ग में फंसे हुए थे उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गया एग्जिट करने का, जो मंदी वाले थे उन्होंने काट के थोड़ा बहुत, अगर स्मार्ट ट्रेडर होगा तो तेजी करके कर लिया होगा, कमा लिया होगा थोड़ा, या उनको वापस से ऊपर से ठोकने का मौका मिल गया होगा। बट ऑल सेड एंड डन सर, दो तीन पॉइंटर्स है। एक तो सर आज निफ्टी टच स्पॉट निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 4 दिन का अभी भी स्पॉट निफ्टी जो है 4 दिन के हाई के ऊपर बंद नहीं हुआ है। तो आई मीन द हाईएस्ट हाई ऑफ निफ्टी वाज 17196 व्हिच वाज आई थिंक ऑन ट्यूसडे आई बिलीव। तो सर वो वहाँ पे टच करके किस करके वहाँ से वापस से निफ्टी हैज करेक्टेड, एंड अपार्ट फ्रॉम द काइंड ऑफ रैली विच केम इन लॉट ऑफ स्टॉक्स, इट वाज नॉट न्यू बाइंग, आई वुड से इट वाज प्योरली शॉर्ट कवरिंग रैली और अ डेड कैट बाउंस जो जिसको बोलते हैं। और सर आई डोंट थिंक सो दिस रैली इज गोना सस्टेन फॉर मोर देन अ डे और टू प्रॉब्ली, and we may again start the down south direction probably from second half of Tuesday or probably Wednesday going forward. Vishal bhai, bolo na sir, ek baat puchta hu, NAV India mein hi hoti hai ki world over hoti hai? Sir world over hi hai, to apna bazaar mein itna dhamal kyun? अब सर वो तो आप बताओगे, आप बाजार में इतने टाइम से बैठे हो। I mean on a serious note sir, what I would say is, देखो सर सब म्यूचुअल फंड मैनेजर जो भी सब मैनेजर्स हैं, they have to show a performance to their bosses as well and to the general public. अगर सर नेगेटिव रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पे नेगेटिव रिटर्न दिखाएंगे तो it is but obvious that what you call no one will come and invest. I mean irrespective बाजार उनको खराब भी लगता होगा, क्लोज डोर्स में क्या बोलते हैं, क्लोज डोर में बाजार वो बोलते होंगे बाजार खराब है, बट ओपनली दे कांट कम एंड से कि मार्केट्स आर बैड, बिकॉज़ इफ दे कम एंड से मार्केट्स आर बैड, नो वन इज गोना कम एंड इन्वेस्ट इन देयर म्यूचुअल फंड्स। सो वही वो दैट इज नहीं, मतलब ये हुआ कि फंड मैनेजर्स आर नॉट एथिकल, वो खुल के बताते नहीं है क्या सिचुएशन है। सो वर्ल्ड ओवर में देखा है फंड मैनेजर लोग बोलता है। Am I audible? बोलो चंद्रेश भाई, when speakers are discussing आप 8 मिनट तो राह देख लो यार। Okay. तो वर्ल्ड ओवर वो कोई फजिंग में नहीं लगता है। दिस इज आर्केक, years ago people used to do that, तो अभी भी चल रहा है अपने वहां, ठीक है, अपने भी 5-10 साल में वो सुधर जाएंगे। बट ये क्या आज तो मैंने भी दिखाया बराबर है, तो सोमवार को भी तो एनएवी आएगा आपका, तो क्या है, व्हाट्स द बिग डील यार। I think this was done by on the basis of the government only, nothing else. आप पीडी भाई बोलिए, आप कोई कुछ बोलना चाहता था बोलिए भाई. नहीं नहीं सर, मैं खाली इतना बोल रहा हूँ, आप हमेशा बोलते हो सट्टा बाजार है, इधर सब जायज है. हाँ, तो, हाँ. तो क्या है, फंड मैनेजर एथिकल हो नहीं हो क्या फर्क पड़ता है? अरे मैंने बात किया अनएथिकल है यहाँ पे, बस उतना ही. मेरे को क्या लेना देना है फंड मैनेजर से? सही बात है सर. अभी अडानी एंटरप्राइज में कौन फंड मैनेजर, मेरे को क्या मतलब है, तेल लगाने गया वो भी पंटर मैं भी पंटर. सर एक स्टॉक है बेचने में बढ़िया. हाँ बोलिए बोलिए. और वो फार्मा ऐसा बस फर्जी कंपनी, फर्जी फर्जी. दूसरा सर इन्फो एज, naukri.com. Both hai. So these are two stocks which I feel can be pretty good on the sell side in the October series, sir. They can be fantastic returns. Yeah. बोलिए भाई. हाँ चंदे. Am I audible, sir, now? Yes. Okay. Sir, I have DM'd you something. It was an article or tweet by your old friend, Mr. Manish Chokhani, where he is speaking about the advantages of having a strong currency. I would really like to know your views on that, sir. And he's been advocating a strong currency for more than a decade that I have been listening to him now, sir. अभी वो जो इकोनॉमिक्स पढ़ा है और मैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ा है उसमें फर्क है. मैं क्या करूँ अभी? I was #1 in economics during my college days. और ठीक है यार, ओपिनियन है उसका. मैं वाई शुड आई अग्री और डिसअग्री विथ हिम. मेरा व्यू है रूपी को फ्री फ्लोट पे रखो, वो तो ही तुम्हारा इंपोर्ट महंगा होगा और एक्सपोर्ट सस्ता होगा आपके लिए. नहीं करते ठीक है. वो मनीष वो चोखानी साहब बहुत बड़े आदमी हैं, वो लास्ट डिकेड से बोलते आ रहे, लेकिन 52 वाला वो 82 तो हो गया खबर नहीं मन. चलिए इसीलिए आपका ओपिनियन पूछ रहा हूँ. ओपिनियन क्या भी दिखता है ना, क्या पीढ़ी तुम भी यार रोज बढ़ता है, उसमें ओपिनियन क्या लेने का? ले डाल सर, छापो by calls. ये पीडी ये जो बात किया ना, तो अभी एक दिमाग में बात आया जी सर. ये जो डॉलर रूपी हो गया अभी 82. हाँ सर. तो कितने लोग को नुकसान होगा? मेरे पास सर थोड़ा नुकसान हमको हुआ है. जो माल काफी सारा क्या होता है सर, यहाँ पर जो डोमेस्टिक ट्रेडिंग के लिए माल रहता है ना, वो भी साला बाजार में से थोड़ा थोड़ा एक्सपोर्ट में गुल होने लगता है. वो हाथ में फिर इधर वापस वो माल थोड़ा मिलना फिर कम हो जाता है. जैसे कि वर्ल्ड ओवर जो एक ही ब्रांड की एक ही आइटम एक ही ब्रांड नेम के अंदर सारी दुनिया में चलती है. फॉर एग्जाम्पल है कि ये डायबिटीज का स्ट्रिप है, वन टच का सिंपल सर. वो इंडिया हो, इंडोनेशिया हो या आइवरी कोस्ट हो, वो सब जगह पे उसका नाम वन टच ग्लूकोमीटर का स्ट्रिप ही है. तो क्या होता है, जैसे जैसे अगर थोड़ा सा यू नो क्विक डेप्रिसिएशन आता है ना रुपी का, तो मार्केट में से थोड़ा माल कम हो जाता है, लोग उठा के बाहर बेच देते हैं. नहीं तो थोड़ा फिर वो So, no, I was saying कि यहाँ पे जो कंपनियों को नुकसान होगा, nobody has done the calculation और said कि last quarter में 78 था, अभी 82 है आज, तो समझो ना 3-4 टका जो भी होता होगा तो बैलेंस शीट में बहुत असर आएगा। हाँ भाई साहब चंद्रेश भाई आपको अच्छा बैलेंस शीट पे बहुत असर आएगा। तो मेरे पास तो वेरविदोल भी नहीं है और मैं रिसर्च में उतना ध्यान नहीं देता हूँ, जो समझ में आता है वही मैं करता हूँ। बट times are very difficult and they will be difficult for another few years. Yes, Pankaj Singh, how are you? Pankaj Singh, unmute yourself, please. Hello. Yeah. Yeah, good evening, Sharad Bhai. My question is about the Spirit brand, about since United Spirit they are holding the popular brand and they will only be focusing on the premium and above. So with the disposable income of India going above, there is a chance of United Spirit getting the momentum with the premium and above brand rather than popular brand. So that's the question. Are you invested in United Spirits? No, not yet, but I'm thinking. What is the market cap of United Spirits? It's 50,000 crore. Yeah. So 50,000 crores. It's approximately $6 billion, and if you take the market cap of Diageo, Diageo, the parent company, and check whether. But my take is it's a very nice investment, but not at this price. Maybe 150, 200 lower, you should be buying that. So with the disposable income increasing, once the Indian economy or per capita income of Indians increase, you think Diageo will gain market share and the premium brand will get market share than Radico and other companies? How sure are you that per capita income will increase? It will increase eventually, The China, when the China was underdeveloped, the per capita increasing. Now the company will shift to India, so the laborers and everyone. See, the guard, my guard, his salary was 7,000 a year ago. Now he's getting 10,000. So after 2 years, he will get 13,000. So guard and rickshawala, that's the person who you can find out that the per capita is increasing slowly. No, but that lower strata is not going to drink black label, right? But slowly, once their income goes above 20-30,000, they will start drinking, not number one, but they will start drinking premium brand. I have another opinion. We don't agree on that, so no point in discussing. But whatever is good according to you, you should buy. You shouldn't rely on my opinion. My opinion is biased. I don't see per capita income increasing in a rush. Because not in a rush. By 2027, the per capita income of Indians will be much more than what we had in China. So since manufacturing and other China plus one and Europe plus one is spanning out. So boss, आप है ना बहुत propaganda सुनता है. Please, these. In reality ऐसा कुछ है ही नहीं. प्रोपेगेंडा नहीं सुनता सर, मैंने देखा है. मेरे गार्ड को पहले 7,000 मिलता था, अभी 10,000 मिलता है, तो 2,000 का इंक्रीज हुआ ना 2 साल में. वो बात नहीं बोलता हूँ मैं, प्रोपेगेंडा का बात करता हूँ. चाइना प्लस वन, यूरोप प्लस वन, और ये 2027 में पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। ओके, आई एग्री विथ यू। 5 साल में अभी 91,000 है तो कितना हो जाएगा? अभी $2,500 है ना? नहीं तो... नहीं 91,000 है। बोलिए बोलिए। पर कैपिटा इनकम $2,000 पर ईयर। ओके 2,500। या ओके चलिए, तो वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा $6,000 हो जाएगा। मतलब even the guard will earn 8 lakh rupees salary. Okay, then you should buy. There is no question why you shouldn't buy. Okay, thank you, Sharad bhai. Thank you, thank you. Yeah, Jishan Ali. Yeah, Jishan Ali, आपका mic unmute कीजिए सर। जिशन अली जी, माइक अनम्यूट कीजिए सर। नहीं है, उसको नहीं मालूम। और बताइए, तो लगता है सब हो गया? नहीं सर, एक मिनट, एक तो आ रहा है सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि आज जो ये बेसिकली बाउंस हुआ है उसका रीजन ये है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं बेसिकली वो अपना क्वार्टर एंड का नैव इंक्रीज करना चाहते थे सो दैट उनकी जो रिपोर्टिंग है वो उस तरीके से मतलब मैनिपुलेट कर पाए कि मतलब जैसे इनका क्वार्टर एंड में जो नैव की रिपोर्टिंग जाती है। So is it something, the rise is something related to that? Hello sir. Hello. Hello. हाँ बोलिए सर। गुड आफ्टरनून। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, यू आर ऑडिबल सर। हेलो सर, मैं जिशान अली बोल रहा हूँ। सर मैं नया हूँ ट्रेडिंग में, मुझे अभी ट्रेड का नॉलेज नहीं है। मैं आपसे गाइड चाहता हूँ सर, सरस सर और समझ सर से। हेलो। हाँ बोलिए ना। हाँ सर, मैं न्यू टू स्टॉक मार्केट, ही नीड्स गाइडेंस। यस सर। हेलो। हाँ बोलिए ना आप। सर मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए, मैं आया हूँ, किसी ने मेरे को बताया आपके बारे में, तो मैं आपसे गाइडेंस लेना चाहता हूँ सर ट्रेड के बारे में। तो आप किधर रहते हो? हाँ सर, आप किधर रहते हो? सर मैं बिजोलिया जिला भिलवाड़ा में रहता हूँ सर, राजस्थान। और कितना पैसा लगाना चाहते हो? सर मैं अभी 1 लाख रुपए तक। हेलो सर, 1 लाख तक लगाना चाहता हूँ। बराबर है, आप अगले स्पेस में आइएगा। मैं बताता हूँ आपको। जी सर, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। या विवेक। Vivek Kalsaria ji. Hello, Saras sir. Good evening. Good evening. अभी तो मैं न्यू हूँ ट्रेडर में, ट्रेडिंग में, पर ये निफ्टी का व्यू दीजिए ना मेरे को, जिगजैग निफ्टी का व्यू. नहीं भाई, निफ्टी मैं नहीं खेलता और मेरा कोई व्यू नहीं है, और अगर आप खेलते हो तो मेरा रिक्वेस्ट है मत खेलिए. निफ्टी 12,000 होएगा, बस इतना ही बोलने का. और सर एक और सवाल है, जर्मन में मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं सर अभी? क्या बोला? जर्मन मार्केट में? हाँ हाँ हाँ, 100%. यस सर. ओके सर, थैंक यू. ओके ओके. एज यू नीड टू स्पीक समथिंग. नो यू आर. ये अभी कोई है क्या समझ सर? वो चंद्रेश करके एक और है, एक मेरा फ्रेंड ही है, वो कुछ बोलना चाहता है. हाँ बोलने को ना, उसको एज रिक्वेस्ट भेजो ना सर. आप समझ सर, आप रिक्वेस्ट भेजो. विवेक जी आपका इश्यू था, मैंने आपको डीएम में भेजा. अभी उनको बोलो कि रिक्वेस्ट में लेफ्ट हैंड से नीचे आता है रिक्वेस्ट में. हाँ हाँ बोलता हूँ, चलो मैं उसको मैसेज करता हूँ. ओके सर. सर एक जस्ट एज ए, यहाँ पर मैं नाम नहीं दूंगा, बट वन ऑफ द लिसनर वाज देयर इन द लास्ट पेज, मेरे को डीएम किया. उन्होंने बोला कि 2 साल से मैं निफ्टी कर रहा हूँ, बट कुछ प्रॉफिट नहीं है. इज ए वेरी यंग गाय. और प्रॉब्लम ये है अभी सर, जो यानी उनका एग्जांपल देके ये मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी यानी पीपल यानी यंग जनरेशन इज आफ्टर निफ्टी लाइक एनीथिंग. और सेकंड थिंग, जॉब नहीं करना है बट निफ्टी में कमाना है, बट कैसे कमाएंगे पता नहीं है. देयर इज नो प्रोसेस, देयर इज नथिंग सॉर्ट ऑफ प्लानिंग. सीखना नहीं है यानी. आई वाज जस्ट शॉक्ड. 25 years. नहीं नो जॉब. पहले ही बोला हमें सीए हुआ, 3 साल पढ़ा, ग्रेजुएट हुआ, 4 साल पढ़ा, और शेयर बाजार में आने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है और पैसा डालना पड़ता है, आप ट्रेडर बन जाते हो. तो आपकी शुरुआत होती है अंत होने के लिए ही. जो आदमी ट्रेडिंग करेगा वो साफ हो जाएगा. ये बाजार में सिर्फ इन्वेस्ट करो, अच्छा अच्छा शेयर लो, और ट्रेडिंग में अपना टाइम बर्बाद मत करो. सर एक क्वेश्चन आया है सैफायर फूड्स के बारे में. समझ जी इसका कुछ ऐड करूं जो बहुत बड़ी बात है, लोग समझते नहीं है. हम लोग इतने सालों से समझा रहे हैं लोगों को कि भाई देखिए 3 तरह के ट्रेड होते हैं. अब तो एफएनओ अभी नया आ गया, बट जब एफएनओ नहीं था पॉसिबली तब 2 ही चीजें होती थी, या तो आप इंट्राडे करते थे या तो आप कैरी करते थे पोजिशनल, जिसको चाहे आप 1 दिन कैरी करो या 10 दिन कैरी करो, आपको दोनों बाजू दलाली लगती थी. करेक्ट. तो इंट्राडे तो वैसे भी जीरो सम गेम है, क्योंकि आपको किसी और की जेब में से ही पैसा काटना है. कोई एक्स्ट्रा कहीं से पैसा तो आने वाला नहीं है, आप किसी की जेब में से काटोगे, कोई आपकी जेब में से काटेगा. तो इंट्राडे इज प्योरली पिक पॉकेटिंग, स्किलफुल पिक पॉकेटिंग. अब आप जितने अच्छे से उसकी सीख लो तो फिर आप काटो जेब में. फिर आ गया एफएनओ भी ऑल्सो जीरो सम गेम, मोटा मोटी एक्सपायरी में सबका हिसाब किताब हो जाता है, वहाँ पे भी जेबें कटनी है. तो एक्जैक्टली 3 सेगमेंट है, एक तो आप इंट्राडे करोगे, एक आप एफएनओ करोगे, और आप एक पोजिशनली एक 33% है, जहाँ पे अगर मार्केट क्या होता है और जब ग्रोथ आती है तो थोड़े पैसे बनते हैं, वेल्थ वहीं पे बनती है. बाकी एफएनओ और इंट्राडे में केवल जेब काटनी है. अगर आप जेब कतरा बनना चाहते हो तो बनिए, बट अल्टीमेटली किसी दिन आपकी भी जेब कटेगी. तो सर जो बोल रहे हैं उसको समझिए, हम लोग जो बोलते हैं समझिए. फ्यूचर नहीं है इंट्राडे ट्रेडिंग, कैन नेवर बी द फ्यूचर. उसमें पैसे नहीं बनते हैं, वो रोजगार, दैट कैन नॉट बी अ रोजगार नहीं बन सकता है, वो टाइम पास बन सकता है. सर्वेंद्र, जेब काटने के लिए भी प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्यों भूल जाते हो भाई? वही तो बोला ना सर, आप स्किल सीखिए, यू बिकम अ स्किलफुल जेब कतरा। तो आपने, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपकी जेब कटेगी, और अगर आपके पास थोड़ी स्किल है तो मे भी आप दो पांच जेबें आप काटेंगे, लेकिन किसी ना किसी तो आपकी भी कटेगी। सो अल्टीमेटली घूम फिर के बात वही है कि जेबें काटनी है और जेबें कटवानी है। अब आप स्किल सीख लीजिए, अगर अच्छे से स्किल सीख लिए, पढ़ लिख लिए, तो मे भी शायद आप थोड़ा ज्यादा काट लेंगे और आपकी कम कटेगी, बस इतना ही होगा, लेकिन कटेगी तो जरूर। ये भी मैसेज में लिखा है किसी ने कि दारू पी है, बोलो क्या बोलेगा यार? सर मैं आपको वही बोला ना, मैं आपको फिर वही बोल रहा हूँ, आपकी तो छाछ पी के भी आवाज नशीली रहती है, हमको मालूम है ना। जिनको मालूम नहीं है उनको बोलने दो जो बोलना है, आपकी वैसे ही आवाज नशीली है, नॉर्मल छाछ पियोगे तो भी नशीली आवाज ही निकलती है आपकी, बढ़िया लगता है, जाने दो इन लोग को। और एक अपने हैंडल है सीजन्स करके, वो बोलते हैं बहुत फनी है, अभी क्या फनी लगा मेरे को मालूम नहीं है, क्या है किधर से आ जाता है। सर आप इग्नोर तो मारो ना, आप छोड़ो ना, हम जो काम कर रहे हैं आप वो काम करते हो, बाकी इग्नोर मारो। नहीं, अरे ऐसे ही बताया, ऐसे भी होते लंगूर। चलिए क्या करें, परिमल भाई बोलिए। सर नमस्ते, मैं नागपुर से बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं हर स्पेस सुनता हूँ आपकी। वैसे लॉन्ग टर्म के लिए आप हमेशा यही बोलते हो कि यानी आपका जो बहुत कंसिस्टेंटली आप यही बोलते हो कि बाय गुड शेयर्स, तो उसमें आपका एक, आपने बोला था कि आप 10 शेयर की लिस्ट दोगे, उसमें एक 5 दी थी आपने एक बार, फिर उसके बाद आपने एबीबी बोला था, और फिर आपने बोला था कि ये जो फास्ट फूड चेन्स हैं जो बेसिकली, तो उसमें से कोई खरीदो और फिर अगर बाकी अगर लिस्ट मिलती तो अच्छा होता। सर वही एक पॉइंट था। और सर बस यही एक पॉइंट था। दूसरा सर, ऐसा कोई आप इतने लंबे समय से इसमें हैं, तो मैं तो बहुत नया हूँ, आपसे सुन के और सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा कोई चीज जो आपको लगा कि आपकी तरफ से गलत हुआ था, जो आपने नहीं करना चाहिए था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो हमने नहीं करनी चाहिए? एक तो ट्रेडिंग आप बार बार बोलते हो, बट समथिंग वेयर इन, जैसे आप हमेशा बोलते हो कि किसी की मत सुनो, आपको अपने मन की करो, बट ऐसा कुछ जहाँ पे आपको लगा कि यार ये मैंने नहीं करना चाहिए था बट कर दिया, तो अगर कोई बताते तो अच्छा लगता सर, सीखने को मिलेगा इसमें। एक ही रिग्रेट है मेरी लाइफ में कि मैं ये फील्ड में आ गया। क्या बोल रहे हो सर? ये वाला अच्छा सर, ये वाला अच्छा था, इसको फ्रेम करा के लगाएंगे। 100% ये कोई लाइफ है, सोते जागते पीते खाते, शेयर बाजार। कभी तो ठीक है उम्र हो गई, बट रिग्रेट कि इतने पढ़े लिखे हैं, आप पैसा इतना नहीं कमाते, बट पैसा को क्या चाटने का है क्या? सो आई थिंक दिस वर्ल्ड इज नॉट गुड एट ऑल। सर और एक क्वेश्चन करूं क्या? अरे करो ना, 10 सवाल करो यार। सर एक मेरा एक एंगल ये है कि जो सिचुएशन है इस समय, और जो आप लोग बताते हैं और जो दिखता भी है, कंडीशन तो ओवरऑल बहुत खराब है। सब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली आउट ऑफ कंट्रोल है। लोग कोई बोलते नहीं है, बट सर धनिया भी 150 रुपए केजी है। इन्फ्लेशन में कैसे काउंट नहीं होता है मुझको ही पता, बट मेरी लाइफ में मैंने 150 रुपए केजी धनिया नहीं देखा है। तो अगर ग्राउंड पे ये कंडीशन है तो ओवरऑल हर जगह बहुत खराब होगी। बट सर अगर पैसे कमाने हैं तो अगर इंडिया ऑप्शन नहीं है तो फिर क्या ऑप्शन है सर? इंडिया में कंडीशन कंपेरेटिवली कम खराब है, ऐसा सबका पॉजिटिव कमेंट्री आती है। बाहर बहुत ज्यादा खराब है, बट अगर पैसे कमाने हैं सर, या आपको आपका वेल्थ क्रिएशन करना है, तो इक्विटी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। जो नौकरी पेशा लोग हैं So, where to invest then, sir? When to invest? I say, आप share लो. Nifty 10,000 हो गए के 25,000 आप share लो. लेकिन अच्छे share लो. बस. सर. तो फिर सर वो 5 की लिस्ट के ऊपर बाकी 5 डाली है ना सर. जैसे आपने आरएचआई मैग्नेशिया डाला था उसमें आईटीसी है. I can recall these two names for sure. फिर आप ABB भी बोल रहे थे और आप वो फास्ट फूड चेन जो वेस्ट लाइफ वगैरह था तो आपने उसके बारे में भी थोड़ा सा बुलिश कमेंट्री दिया था सर. नहीं तो नहीं परिमल भाई वो ठीक है मैं बोला था नहीं दिया व्हाटएवर पर आप उस पे डेवलप कीजिएगा ना. जैसे फास्ट फूड चेन है बहुत सारी कंपनियां हैं तो 2-3 अच्छी लो सर. सर ये इंजीनियरिंग हाईटेक इंजीनियरिंग में भी बीएससी में से कैना मेटल ऐसा बहुत कंपनी है. राइट और एक बोलता हूँ आप ये लोग कैना मेटल लो. राइट सर राइट वो रडार पे है. आपने जैसे आप एमएनसी को लेके और आप हमेशा बोलते हो कि एमएनसी और ऐसी कंपनी जिसका थोड़ा फ्री फ्लोट कम है और जो क्लीन है जनरली तो आप उसके बारे में हमेशा कंसिस्टेंटली हर स्पेस में बोलते हो. आई मीन एटलीस्ट 5 बार तो बोलते ही हर स्पेस में. तो वो डेफिनेटली है सर रडार में. आपके रडार में है बराबर है. जी सर जी सर. तो ले लो ना काय को रडार पे रखो भाई. वो मैं 1700 में बोला था आज 2700 है छोड़ो. सर सी मैं आपके लिए नहीं बोलता हूँ अपने सब लिसनर्स के लिए. There is a disconnect between the brain and the hand. आपको दिमाग में कुछ आता है लेकिन आप नहीं कर पाते हो. इनर्शिया होता है आपको. Agreed. तो इनर्शिया से बहुत डरना चाहिए. जो मन में आवे वो करो सुख पाओगे. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, Samarth bhai. Thank you so much. Thank you, Parimal bhai. Sir, मैं बहुत छोटा हूँ आप परिमल भाई मत बोलिए. वैसे हूँ तो मैं आधा भी गुजराती बट प्लीज मेरे को परिमल ही बोलिए सर. ओके थैंक यू. ये एजियो. हेलो सर. हेलो बोलो सर. कैडबरी के ऊपर क्या व्यू है सर? हाँ कैडबरी यस सर. वो तो उधर लिस्टेड है इधर थोड़ी है. हाँ सर उधर ही है सर. अभी सर इजीओ है ना कोई भी मार्केट छोड़ता नहीं है. 24 घंटे शॉर्टिंग ही करता है सभी जगह. नहीं सर वो वहाँ पे तो मैं शॉर्ट नहीं कर सकते ना सर. यूएस के अंदर अलाउड नहीं है. कैडबरी तो हाइंस हो गया है ना. कैडबरी कहाँ है? मॉन्डेलिस है ना उसका नाम. हाँ मॉन्डेलिस इंटरनेशनल $55 पर है. ओ मॉन्डेलिस का बात करता है क्या? यस सर. वो किधर नहीं जाएगा इधर ही $5-10 इधर उधर घूमता है. हाँ सर वो $10 नीचे आया है अभी. मतलब ऐसे टाइम पे कुछ ऐसे ही शेयर होते हैं जो थोड़ा टिक जाते हैं मतलब बाकी तो चलेंगे. इजीओ 400 में बायबैक आया था इंडिया में कैडबरी का. इंडिया में लिस्टेड नहीं है क्या? हाँ कैडबरी इंडिया था लिस्टेड बराबर है ना सर. या नहीं सर उस टाइम का मुझे आइडिया नहीं. वो तभी तू पैदा भी नहीं हुआ होगा सर. हो सकता है सर. नहीं बहुत पुराना बात है. When were you born? 95. तो 100% पहले आया था. 90 के पहले आया था. Anyway, और कुछ सर? मिस्टर त्रिवेदी सिद्धार्थ भाई बोलो गेम शो. सर बढ़िया हूँ आप सुनाइए. प्रणाम मेरी ओर से. काफी समय बाद मिल रहे. yes. पहले मेरी आप शिकायत है, आप वो दूर करो छोटे बच्चे की। क्या बोले? मेरी एक शिकायत है, आप वो पहले दूर करो। हाँ बोलो बोलो। आप खुद आकर स्पेस में एंजॉय करके गए थे, फिर कभी आए नहीं, हमारी स्पेस में आओगे नहीं तो हंसी मजाक कैसे करोगे? सीरियस बातें तो इधर रोज करते हो, रात को 2 घंटा 1 घंटा, कभी उधर आके हंसी मजाक भी कर लो, इसी बहाने हमारे साथ थोड़ा हंस भी लोगे, उसका करो सर। पक्का पक्का, थैंक यू। ये हो गया मेरा मार्केट। क्या बोलो सिद्धार्थ पे? दादा मैं लेवल दे देता हूँ निफ्टी के, वही स्टॉक स्पेसिफिक नहीं जाते। निफ्टी में वही लेवल जो परसों डिस्कस हुए थे 17,170 ±10-20 पॉइंट्स, वो मेन हर्डल रहेगा निफ्टी के लिए। मैं प्योरली और प्योरली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा हूँ और कुछ नहीं। और नीचे में 17,170 के बाद 16,800 का 200 DMI है। वंस अगेन अगर उसके नीचे क्लोज देता है तो फिर नीचे का सोचेंगे। आज तो उसने उठा दिया है 2 दिन क्लोज करके, अब सोमवार को हायर हाई करेगा तो उस साइड खेलेंगे, नहीं तो नहीं। सिंपल हिसाब है 17,170। क्यों, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पूरे अगस्त में 4 अगस्त की एक प्रेशर डेट थी गन के हिसाब से, तो वहां पर उसका हाई लो था 17,488 या 90 और 17,170 या 17,160, वो रेंज में पकड़ के चला। अगस्त महीने में वो चीज नहीं हुई तो उस चीज को वो इज्जत दे रहा है, और जैसे ही वो टूटा वो नीचे गया, उतना रेंज उतने नीचे प्ले ऑफ किया और वही 200 डीएमआई पर जाकर वो अटक गया वापस, और वहीं से वो वापस टर्न ले रहा है। तो वही हर्डल उसको लड़ेगा 17,170 ±10-20 पॉइंट। उसके ऊपर वो रह जाता है तो फिर ऊपर का गेम चालू। उस पर 17,370, 490 और 580 और 640 ऊपर में। नीचे में तो पता ही है कि अगर ये गया नीचे तो 16,800 के नीचे 16,610, 16,370 तो ये सिंपल व्यू है दादा, और कुछ नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू समर भाई फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। या देवाशीष जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग शरद सर। गुड इवनिंग सर, आपके साथ ना मुझे कुछ बात कहनी है। पहले तो सर, यू आर नॉट सो ओल्ड, you are mid-60s. My father is 86. He's still surviving. He still drives his car. So you should not consider yourself to be old. I have heard you on the spaces. मुझे अच्छा नहीं लगता. Okay. Secondly, sir, you are a CA. I am a CA. You just said that you regretted getting into the trading, this investing business. Oh. In the other side, I have come in from a corporate job into this. And No. I meant not the investing, the trading part. Ha, sir, because, you know, the way I see it, and I've, like, let's put it this way, 15 days out of 22 days, I am now successful. I mean, it just barely, like, it's been 4 years, which is hardly a time in trading. But the way I see it, trading is that I get to write checks to myself. And the reason why I got into trading and investing full-time 100% is because I don't see any innovation happening in industry. In the sense, the big are becoming bigger. Adani, through his political connections, is becoming even bigger, which is getting into risk. The other thing which I also see is I see a lot of potential in India, but there is a lot of confusion. So 7 out of 10 trades I do are actually short trades. I shorting karta hu. My first instinct is short. And I'm a day trader now, 100%. Though I have an investment portfolio on which I very seriously look at it every day. And my journey has been, sir, that earlier when I got into this, I didn't know what to do. So I would wake up at 6 o'clock, start reading newspapers at 7, work till 3:20. And then I should spend 10 hours downloading data and looking at data and creating all kinds of Excel sheets. Sir, today din I have 2 terabytes of Excel sheet which I work every day, but I finish my after market work in 2 hours, 2.5 to 3 hours maximum, which gives me everything. I have done extensive studies. So it is, to that extent, is very satisfying in trading. And now because I've become successful, I'm no longer, sir, at my age, the fact is that I've given up my job. The opportunity cost of income loss plus expenses is huge. Huge as in huge. But the reason why I'm doing it is because at some point, I want to get into startups and invest because I have a technology background other than being a CA. So I find it very satisfying, sir. And I also find listening to you very satisfying because you're a survivor, nothing else. 40 years has not come. But at the same time, sir, the way I look at it is that these young guys who are coming into the system, for me, for instance, I have been trained on Six Sigma as my corporate job, which is statistics, basically. I use standard deviations like crazy, which is so powerful than EMA. But the systems which we have as of today's date are all based around EMA. So, there are people, I mean, I'm an old person. I'm finding slight advantages based on the fact that I use standard deviation extensively. And I'm not bothered about the market for the simple reason is that the way I look at it, sir, philosophy-wise, कि अगर मैं 6 महीने में 1 लाख रुपए डाल देता हूं इन अ गुड शेयर 6 महीने में बस एक शेयर में 1 लाख रुपए डाल देता हूं तो वो 10 से 15 साल में एटलीस्ट 15 बैगर तो होगा एंड आई एम हैप्पी थियोरेटिकली स्पीकिंग एंड आई हैव प्रूव्ड इट इन द पास्ट 25 इयर्स व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट जॉब सो दीस आर माय व्यूज सर But I'm confused because the market is not comfortable as of now. At the same time, I don't think that the market will go down over the next 3-4 years to the levels which it has seen recently. Because there's too much of cash and wo cash ko hajam karte karte time lagega. So, mere hisab se 2025 mein crash aayega, 26 mein crash aayega. Abhi nahi aayega. That's it, sir. Thank you. Thank you, Debashis ji. मैं कुछ बोलूं समर सर if you permit. हाँ जी please. Debashis sir, मैं आपसे कॉन्ट्रैव्यू नहीं रखता, ना मैं आपका विरोध कर रहा हूँ, पर एस्ट्रोलॉजिकली 25-26 में भी ऐसी पोजीशन नहीं है जो आप जो क्रैश की बात कर रहे हो ना, उसको वो सपोर्ट करती हो. 2020 में थी, तो ये मुझे मत पूछना है कि आपने कहा था, मैं 2020 का पेंडेमिक प्रेडिक्ट कर चुका था, नॉट ये रोगचाड़े वाली महामारी वाली बात. पर ये आएगा कांड होएगा इतना मेरे को ध्यान था, ये समर्थ भाई को भी पता है, तो हालांकि पब्लिकली नहीं था, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजिकल पैरामीटर उधर फॉलो नहीं कर रहे, तो वो 25-26 आपका फंडामेंटल में उसमें आर्ग्यू नहीं करता क्योंकि मेरे को फंडामेंटल का जीरो नॉलेज, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजिकल पैरामीटर फॉलो नहीं करता, तो वो नहीं आएगा 25-26